सामान तैयार कर लिया मछली पकड़ने के लिए। क्या सामान है? वो तारे वगैरह, स्विच वगैरह। कैसे पकड़ेंगे हम मछली? ये भी वहाँ से सूखा डंडा पकड़ लेंगे, उसके साथ बांध लेंगे, फिर अलग अलग सरिया बांध लेंगे, फिर जनरेटर टारगेट के तारे उसमें लगा देंगे। मतलब हम करंट लगा के मछली पकड़ेंगे? जी, करंट लगा के पकड़ेंगे। तो आज एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था मुझे। यहाँ आने का सबसे मेन मकसद मेरा यही था। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ख्वार की तरफ, और उमर ख़ान जो है वो आ रहा है ज़रा अपने इक्विपमेंट लेके। तो आज इरादा है फ़िशिंग का, समंदरी फ़िशिंग वगैरह आप लोगों ने बहुत देखी होगी। आज मैं आपको दिखाऊंगा देसी फ़िशिंग। देसी फ़िशिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं फ़िशिंग करने के, लेकिन थोड़ा सा एक एंटिक तरीका है, वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब नीचे जाएंगे आप ख़ुद देखेंगे वो कैसी फ़िशिंग है। तो मैं नीचे जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। आ जाए जनरेटर का इंतज़ाम हो गया, और मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ फिश पकड़ी जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन भाई ने कहा कि यहाँ पर दो दिन पहले ही जो है ना यहाँ से किसी ने मच्छी पकड़ी है, तो वो एरिया काम का नहीं है। हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं भाई। ये है बटराम से ऊपर बटमूड़ी जगह है, और ये नहर है काफ़ी अच्छा, पानी भी बिल्कुल साफ है। इधर लोग नहाते भी और पीते भी हैं। और इधर हम लोग आए, ये दोस्त हमारा आए कराची से, हम इधर मछली पकड़ने के लिए आए, और आप लोग भी हमारे साथ रहे। अब ये देखना है मछली किस तरह पकड़ना है। ये रहा एक बड़ी मच्छी है। ये देख, ये नीचे देख, एक और आ रही है इससे आगे, एक और आ रही है इधर देख, ये देख नीचे देख। ये काम सिर्फ ये लोग ही कर सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। करंट भी लगाया हुआ है पानी के अंदर, और खुद भी जा रहा है। पता नहीं इनको ही रेंज का पता है कि कितनी रेंज है। ये सामने जो है आप देख सकते हैं, एक भाई जनरेटर लगा रहे हैं और एक करंट लगा रहे हैं, लेकिन इसकी रेंज जो है ना वो सिर्फ इतनी इतनी सी होती है। उधर मच्छी जो है तड़प के थोड़ा बाहर आती है, फिर हम यहाँ से पकड़ लेते हैं। पहली मच्छी मेरे हाथ में आ गई, ये देख सकते हैं आप, जिंदा है। और फाइनली मैं कामयाब हो गया मच्छी पकड़ने में। इसको हम रखते हैं, ये बर्ड में लगाते हैं। क्यों? ये एक और आ गई है भाई जान, देख सकते हो इसको, ये जिंदा है, जिंदा जिंदा जिंदा। ये भी जाएगी मेरे बड़े में, जिसको हम उर्दू में नेफा कहते हैं, ये लोग बड़ा कहते हैं। ये मेरे नेफे में सेफ होती है, यहाँ से कहीं जाएगी नहीं। मच्छी के चक्कर में जूती जो है वो मेरी नीचे गई। फिश तो आ गई है, इसको मैं जेब में डालता हूँ। तो
फाइनली पहली दफ़ा मच्छी हाथ में आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ और खुश भी हो रहा हूँ। ये मेरा नाफ है, नाफा नेफा बड़े में ये मच्छियाँ रखी हुई हैं, तो ये जब हम सारी पकड़ लेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमने कितनी मच्छियाँ पकड़ी। फ़िलहाल तो हम कामयाब हो रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई छापा मार के गया, उन्होंने छाटी करी है, हमें भी मिल रही है लेकिन कम कम मिल रही है। फिशिंग का मरहला शुरू और ये एरिया इन्होंने कवर करना है। ये फिश की इन्होंने करंट की तार फेंकी है, एक न्यूट्रल और एक फेस। अब जैसी कोई मच्छी आएगी हम आपको कोशिश करेंगे कैमरे में भी दिखाएं। और ख़तरनाक तो है लेकिन मज़ा भी है। एक मच्छी आई, इशारा किया भाई ने, अब देखते हैं कहाँ जाती है। मुझे तो नहीं नज़र आई, उमर खान को शायद नज़र आया। उमर खान जो है वो पेट्रोल लेके जा रहा है, दोबारा पेट्रोल ख़त्म हो गया और इसकी रेंज जो है ना वो इतनी थी। मैं खुद पानी में गया था, मैं समझ रहा था बहुत ज़्यादा पानी होगा और इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना करंट वगैरह ना लगेगा, लेकिन वो करंट सिर्फ उसी एरिया में लग रहा है। और हम आगे खड़े होते हैं थोड़ा सा, तकरीबन 2-4 फीट आगे खड़े होते हैं, वहाँ करंट इतना नहीं पहुँचता। बस वो जहाँ मच्छी होती है वहाँ करंट लगता है और मच्छी तड़प के ऊपर आती है, हम लोग पकड़ के रख लेते हैं। उमर खान का नेफा भी भरा हुआ, मेरा एक नेफा भर गया है। अभी देखते हैं कि कितनी पकड़ते हैं हम लोग, लगे हुए हैं, दुआ करें ज़्यादा पकड़े मच्छी। अब उमर खान का साथ देने के लिए एक और भाई भी आ गए हैं। पानी साफ़ है इस वजह से मच्छी नज़र आ रही है। अब ये देखें कितनी करीब खड़े हैं, लेकिन करंट का असर सिर्फ फिशिंग पे हो रहा है, इन पर नहीं हो रहा। ये ख़तरनाक भी है लेकिन कर रहे हैं ये लोग। उमर खान ही आए तेरे पीछे एक और, ये देखिए देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप हम किस तरीके से यहाँ फिश पकड़ रहे हैं, तो बड़ा मज़ा भी आ रहा है और ख़तरा भी है, डर भी लग रहा है, क्योंकि ये सामने भाई खड़ा है, इसको थोड़ा सा करंट लगा भी है। अभी उमर खान के काम देखते हैं हम और कितनी पकड़ते हैं, मेरी तो जेब फुल हो गई है। कितनी मच्छी पकड़ ली भाई? अभी तो आधा किलो पकड़ा है। और कितना पकड़ने का इरादा है? और बस तकरीबन 2 किलो तक पकड़ लेंगे। अच्छा, एहतियात करना पर। हाँ, एहतियात। चलो मुजाहिद भाई, कितनी मच्छी पकड़ ली है? बस तकरीबन 20-25 पकड़ ली है। अच्छा, चलो भाई। बहुत सारी यही है, यही है नीचे, वो देखो नीचे भी।
फाइनली हम लोगों ने थोड़ी टाइम में बहुत ज़्यादा मछली पकड़ ली। उमर मुजाहिद भाई और फजल भाई ने आज बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया मेरे साथ, थोड़ा सा टाइम दिया मुझे, इनके लिए इनको थैंक कहूँगा। और बहुत ज़्यादा पकड़ ली मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को भी ये मच्छी खानी है तो आप लोगों को बटग्राम आना पड़ेगा और उमर खान से रब्ता करना पड़ेगा, वो सारा अरेंजमेंट कर देगा। तो बटग्राम जो है वो तकरीबन मानसरा से आगे शिंक्यारी से तकरीबन 60 किलोमीटर आगे बटग्राम आएगा, और बटग्राम से हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे शिंगरे ककड़शंग जगह का नाम है, तो वहाँ पर ये हम लोगों ने यहाँ पर मच्छी पकड़ी है। शिंक्यारी की साइड जो है वो मच्छी इतनी ज़्यादा लगती नहीं है क्योंकि वहाँ पहुँचते सब लोग मच्छी पकड़ लेते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छी और ज़्यादा क्वांटिटी में मच्छी पकड़नी है और एंजॉय करना है तो आपको बटग्राम आना पड़ेगा। ऊपर चढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, जगह जगह पे स्टे करना पड़ता है। उमर खान भी सामने से पानी पी रहा है, ऊपर जाने से पहले थोड़ा सांस ले लें फिर घर तक जाएंगे। लेकिन खुशी बहुत हो रही है क्योंकि मछली पकड़ ली है, और सबसे मेन काम मेरे लिए यही था कि मैंने मछली पकड़नी किसी तरीके से भी, तो फाइनली हम लोगों ने फ़िश पकड़ ली है। अभी ऊपर जाएँगे उसे पकाएंगे, पकाते हुए भी दिखाऊंगा और खाते हुए भी दिखाऊंगा। मच्छी ने कुछ मज़ा किया ज़बरदस्त। तो ये थी हमारे फड़ की मच्छी जिसको हम वाइट चावलों के साथ खाते हैं, और अब मैं खाना खाऊंगा, बहुत हो गई।